नहीं होता है, यही होता है जब वीडियो बनाओ यही होता है। हाउ टू अवॉइड केकी फाउंडेशन। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा यूट्यूब ब्लॉग। मैं पूजा आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ हाउ टू अवॉइड केके फाउंडेशन, मेकअप को काला होने से कैसे बचाएं। अगर आपका मेकअप काला पड़ जाता है, आपका मेकअप केके हो जाता है, मतलब कि कहीं कहीं खुरबुदा हो जाता है ना, वैसा होता है, स्माइल लाइन्स बन जाते हैं एंड एक जगह स्टिक हो जाता है फाउंडेशन और पता चलता है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी पूरा स्टेप बाय स्टेप अपने बेस मेकअप को कैसे फ्लॉलेस बनाओ एंड बिल्कुल भी केके नहीं, बिल्कुल भी पेची नहीं, बिल्कुल भी काला नहीं होगा, ऑक्सीडाइज बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मैं कुछ टिप्स भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते हो उसकी वजह से आप लोग का मेकअप केके हो जाता है एंड काला पड़ जाता है। एंड मैक्सिमम लोगों का शिकायत यही होता है कि उनका बेस मेकअप आपकी तरह फ्लॉलेस नहीं होता है, इसलिए क्योंकि मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता है एंड मेरे जैसे जितने भी इन्फ्लुएंसर होंगे, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर होंगे, सबके साथ स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, फिर धीरे धीरे वो भी सीखते हैं तो अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरे साथ भी पहले वैसा ही होता था बट अब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो अब मुझे पता है कि कैसे क्या होता है। समय के साथ इंसान सीख लेता है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर करेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए गाइस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, कमेंट जरूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। क्या करूँ, मुझे बोल के वीडियो बनाना है क्योंकि ये सब वीडियो क्या होता है, बोल के बनाओ तो ही फायदा होता है, फायदा मीन्स कि तो ही समझ में आता है सामने वाले को, वॉइस ओवर होता समझ में नहीं आता है बट ये बैकग्राउंड नॉइज की वजह से ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैंने फैन भी ऑन किया क्योंकि मुंबई में गर्मी बहुत, वैसे हर जगह ही गर्मी बहुत है। ओके, एनीवेज चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आता है अपने फेस को क्लीन करना। अगर आपके फेस पे हेयर्स है, मतलब कि अगर आपके चिन एरिया पे हेयर है, अपर लिप्स पे है, फोरहेड पे है, तो पहले आप अपने हेयर्स को रिमूव करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही लाइट हेयर है, जैसे मेरी तरह मेरे फेस पे हेयर है लेकिन पता नहीं चलता, इसलिए मैं कभी रेजर या फिर कोई भी चीज़ मैं फेस शेविंग करती ही नहीं हूँ, मैं बस अपर लिप्स करती हूँ क्योंकि मैं अपर लिप्स पार्लर में नहीं बनवाती, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसके लिए मैं अपर लिप्स बस करती हूँ एंड फोरहेड भी मैं बहुत कम करती हूँ, बहुत कम, क्योंकि मेरे फोरहेड पे भी हेयर नहीं है। बट अगर आपके हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना हेयर्स रिमूव करें, अपर लिप्स एंड चीक एंड फोरहेड हर जगह का हेयर अच्छी तरीके से रिमूव करें, तब जाके आप मेकअप करें। अगर आप हेयर्स के ऊपर करोगे तो क्या होगा, फिर मेकअप ऊपर रह जाएगा, थोड़ा देर बाद वो पूरा एरिया पता चलता है, स्पेशली फॉर अपर लिप्स एंड इधर स्माइल लाइंस बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पता चलता है। इसके लिए तो आप कोई भी रेजर यूज़ कर सकते हो, मैंने अभी किया हुआ है, मतलब मैंने दो दिन पहले ही किया था अपर लिप्स, तो मेरा अभी मुझे नहीं करना। तो ये है फर्स्ट टिप्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हेयर्स है तो ज़रूर से आप उसको रिमूव करने के बाद ही मेकअप स्टार्ट करें। ओके, सेकेंड, मेकअप स्टार्ट करने से पहले एक बार फेस को वॉश जरूर करें। अगर आप फेस वॉश नहीं करना चाहते हो तो आप वाइप्स यूज़ कर सकते हो, मैंने अभी आधा घंटा पहले ही फेस वॉश किया था इसलिए मैं फिर से फेस वॉश नहीं करूँगी। तो मैं हमेशा वेट वाइप्स यूज़ करती हूँ ताकि फेस पे जितने भी डर्ट होंगे वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएंगे एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए फेस को क्लीन रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सी, बिल्कुल भी नहीं निकला, एकदम हल्का फुल्का सा डर्ट निकला है, बट निकला तो है ना, इसके लिए फेस को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो थोड़ा ड्राई होने देंगे उसके बाद मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगी क्योंकि ये वाला जो है, अब मैं कहीं बोलने में गलती कर दूंगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, कुछ अलग बोल देते हैं, तो ये वाला पार्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी इसलिए क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 मिनट का ही, आप वॉच कर सकते हो, बिफोर मेकअप स्किन प्रेप आप एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। ओके, सो मैं यूज़ करूँगी टोनर, टोनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम पूरा ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बेस मेकअप एकदम ड्राई नहीं करना है हमें, सो इसको थोड़ा थोड़ा ड्राई होने देंगे एंड उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे सीरम देन मॉइस्चराइजर। ओके, मैं फटाफट से सीरम एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ। सो
मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे गार्नियर का सीरम, इसके ऊपर मैंने फुल डिटेल रिव्यू किया, आप चेकआउट कर सकते हो। ये ऑल स्किन टाइप है, इसके लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी, कभी भी बिना मॉइस्चराइजर बिना प्राइमर का बेस मेकअप ना स्टार्ट करें। डायरेक्ट कोई बीबी क्रीम सीसी क्रीम फाउंडेशन बिल्कुल भी ना अप्लाई करें, उससे क्या होता है मेकअप एकदम पैची हो जाता है, अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। फिर आप लोगों को शिकायत होता है कि हमारा मेकअप फ्लॉलेस हो जाता है। फ्लॉलेस बेस मेकअप के लिए पहले आपको अपना फेस बहुत ही अच्छे से क्लीन रखना होगा। एंड सी माई फेस, अब अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। सो आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजर वगैरह यूज कर लिया है, तो अब इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, दो मिनट के लिए छोड़ दे, दो मिनट नहीं दो चार मिनट तक, जब तक ये थोड़ा सेट होता है। तुरंत तुरंत मेकअप करने से क्या होगा कि सब मिक्स एंड मैच हो जाएगा, क्योंकि स्किन में कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। पहले स्किन में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब होने दीजिए, एंड तब तक मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ। इतना टाइम अपने बेस मेकअप को दो, थोड़ा थोड़ा देर बाद एक एक स्टेप करो। एंड मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट होती हूँ अगर बैकग्राउंड नॉइज आता है। चलो मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ एंड उसके बाद आपसे बात करती हूँ। सो चलो अब तो मैं वॉइस ओवर पे आई गई हूँ, तो अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि प्राइमर से हमारा मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड केके नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बेस मेकअप, एकदम स्मूथ एंड फ्लॉलेस हो जाता है। इसके लिए प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइमर कभी भी स्किप ना करें। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। इसको पहले थोड़ा सा वार्म करूँगी अपने बैक ऑफ द हैंड पे एंड फिर फेस पे अप्लाई करते हुए थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी। और कभी भी फाउंडेशन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एकदम लेस क्वांटिटी में ही अप्लाई करें, क्योंकि हमें कंसीलर भी अप्लाई करना पड़ता है। आप देख सकते हो मैंने कितना थोड़ा सा ही अप्लाई किया, बस उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया पूरे फेस पे। एंड एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से लेकर अच्छी तरीके से पूरे बेस मेकअप को ब्लेंड करेंगे, बहुत ही स्लोली स्लोली और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ ना करें, हमेशा वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें, और चाहे तो ब्रश यूज़ कर सकते हैं। सो मेरा बेस मेकअप आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। कंसीलर भी कभी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना अप्लाई करें, हमेशा लेस क्वांटिटी में अप्लाई करें। आप देख सकते हो मैंने कितना थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई किया है, बस अपने फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। अगर आपको ब्लैक क्या बोलते हैं डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही थोड़ा सा। इस बार ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा मुझे ड्राई लग रहा था, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे अप्लाई करने के बाद उसे ब्लेंड कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे अप्लाई करने से क्या होता है कि बेस मेकअप और भी ज़्यादा अच्छा होता है, और ब्यूटी ब्लेंडर अगर थोड़ा ड्राई लगने लगता है तो उसको भी थोड़ा सा वेट करता है, बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर। आप चाहो तो लूज पाउडर भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। इससे अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे ताकि कोई भी लाइंस ना क्रिएट हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि फाइन लाइंस बन जाते हैं एंड स्माइल लाइंस बहुत जल्दी बन जाते हैं इसके वजह से। एंड बेस मेकअप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्किन केयर, स्किन केयर कभी भी स्किप ना करें। एंड अब अपने बेस को मैं बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी एक मेकअप सेटिंग स्प्रे से। यहाँ मैंने लिया है इनसाइड का मेकअप सेटिंग स्प्रे। एंड सी गाइस, आप खुद ही देख सकते हो मेकअप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आप ज़रूर ऐसा ही मेकअप कर पाओगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा बेस मेकअप एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। मैंने कोई हाइलाइटर ब्लश एंड कॉन्टोर अप्लाई नहीं किया है ताकि मैं आपको ऐसे दिखा सकूं कि कितना अच्छे से फ्लॉलेस बेस मेकअप हुआ है। कहीं से भी कोई फाइन लाइंस एंड कहीं से भी केके बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड बिल्कुल भी हाथ में भी नहीं आ रहा है सी, बस अब गर्मी का टाइम है, थोड़ा बहुत होएगा, थोड़ा बहुत टचअप की जरूरत पड़ सकती है, बट वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है। एंड आपको कैसा लगा ये बेस मेकअप? बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है सी, सच में बिल्कुल नहीं निकल रहा है, नो वन। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिएगा तो बहुत अच्छा आपका बेस मेकअप होगा, और इसके बाद भी मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगी, तब तक मेरा बेस मेकअप ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा
मैं एक साथ 2-3 वीडियो बनाती हूँ तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा बेस मेकअप काला पड़ता है या नहीं, ऐसे ही रहेगा, आप खुद ही देख लीजिएगा। सो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं गए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, कॉमेंट कर बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो चलो अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।